इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मोर अपडेट्स के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूज़फुल ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी बंदा अनजान नंबर से या फिर अनजान व्यक्ति आपको कॉल करके परेशान करता है तो उनको कैसे बंद किया जाए, उनको कैसे ब्लॉक किया जाए या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के बाहर का हर कॉल को कैसे ब्लॉक किया जाए, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले कॉल्स ब्लैकलिस्ट नाम का एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं एप्लीकेशन ओपन करके इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। इसका बहुत सारा यूज़ है, बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉल्स एनेबल करके बता देता हूँ। आप चाहे तो SMS भी ब्लॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉल अभी बताऊँगा, उसके बाद नीचे एक प्लस बटन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे से कॉल लॉग से या फिर कॉन्टैक्ट से या फिर मैसेज लॉग से या फिर नंबर ऐड करके भी ब्लॉक कर सकते हैं या फिर कोई भी पर्टिकुलर नंबर से शुरू होने वाला नंबर्स भी पूरा आप ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट नंबर वाला ऑप्शन में क्लिक करके मैं कोई भी नंबर ब्लॉक करके आपको बताऊँगा कैसे ब्लॉक करना है। इसके लिए आपको एरिया कोड के साथ यहाँ पे नंबर टाइप करके रखना है, पूरा नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर नीचे आपको एक ब्लू कलर में ओके बटन दिखेगा, उसमें क्लिक करके सिंपली कोई भी नंबर आप ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस नंबर से कॉल भी नहीं आएगा। उसके अलावा बहुत सारा यूज़ है इस एप्लीकेशन से, तो वो सब मैं बताऊँगा। उसके लिए आपको 3 डॉट ऑप्शन क्लिक करना है, फिर यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करना है। आपको सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लॉकिंग नाम का एक ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कॉल्स नाम का एक सेटिंग्स दिखेगा, उसको इनेबल कर देना है अगर डिसेबल है तो। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट नंबर वाला जो ऑप्शन है सबसे पहले उसको इनेबल करके रख देना है अगर प्राइवेट नंबर वाला सब कॉल आपको ब्लॉक करना है तो। उसके बाद आपको आपके कॉन्टैक्ट्स के बाहर का हर कॉल ब्लॉक करना चाहे तो यहाँ पे अननोन नंबर वाला ऑप्शन ब्लॉक कर सकते हैं, और ऑल कॉल्स कभी भी आप कोई भी काम में है तो सब कॉल ब्लॉक करना चाहे तो भी कर सकते हैं। वाइप कॉल जब एनेबल्ड है तब आप बाकी कॉल ब्लॉक करना चाहे तो भी कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे SMS नाम का एक ऑप्शन देख सकते हैं, उसको एनेबल करने में आप कॉल के जैसा यहाँ पे सबसे पहले आपको उसको एनेबल करना है, कंटिन्यू में क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके बटन में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे अननोन नंबर्स, नॉन न्यूमेरिक नंबर्स, ऑल SMS, इस तरह आप जैसा कॉल में ब्लॉक करते हैं उस तरह SMS में भी आप ब्लॉक करना चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आप पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे शेड्यूल नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप कॉल ब्लॉक शेड्यूल करके भी ब्लॉक कर सकते हैं अगर कोई भी ऑफिस वर्क में या कुछ दूसरा कुछ वर्क में है तो। कितना टाइम से कितना टाइम तक आपको कॉल्स नहीं आना चाहिए वो भी यहाँ पे सेट करके ब्लॉक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है आपको, और इसमें अगर वाइट लिस्ट में कोई भी कॉन्टैक्ट्स डालना चाहे तो वाइट लिस्ट में कोई भी कॉन्टैक्ट्स आपको कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहे तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और भी कमाल का सेटिंग्स से यहाँ पे देख के आप एडजस्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना सी है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।